अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरे सब्सक्राइबर में आई गेस मेल एंड फीमेल्स दोनों ही हैं। तो आप सबसे मेरी एक फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी गैदरिंग में अगर आप खुद लिपस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं या आपकी मिसेस कर रही हैं या आपकी सिस्टर कर रही है, तो कभी आपने लिपस्टिक्स के इंग्रेडिएंट्स को फॉलो किया है? कभी आपने उस पर स्टडी की है कि आपकी लिपस्टिक हलाल है या हराम है? तो काइंडली अपनी लिपस्टिक्स को चेक करें, उनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखें। बाकी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको यहाँ पर शेयर भी कर देती हूँ जो कि क्लियरली आपको जब आप किसी को ब्रांडिंग लिपस्टिक्स लेते हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स में आपको वो मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास एक कैरामाइन है, ठीक है, जिसको हम पिगमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जितनी भी ब्यूटी इंडस्ट्री है उनमें कैरामाइन जो है उसको एज अ पिगमेंट यूज़ किया जाता है इन लिपस्टिक्स। इनमें आप देख सकते हैं रेवलन की लिपस्टिक्स में कैरामाइन इंसेक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, मेबेलाइन की लिपस्टिक्स में यूज़ किए जा रहे हैं, बाकी न्यूट्रोजीना यूज़ पोर किस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, एक उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और कैरामाइन क्या चीज़ है मैं आपको ये बता भी देती हूँ, इवन मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का एक इंसेक्ट है। बाकी कैरामाइन मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये किस तरह का इंसेक्ट है, ये आप क्लियरली आपको गूगल पे नज़र आ रहा होगा। इसका मैंने जूम किया है, ये वो इंसेक्ट है जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ये इसका आप पाउडर देख सकते हैं, रेड कलर का जो पिगमेंट है उसको यूज़ किया जा रहा है। इसको कोचिनियल भी कहते हैं, लाइक ये देखें, ये भी मतलब एज अ इसका जो नेम है ना कोचिनियल नेम भी इसको यूज़ किया जाता है। बाकी कैरामाइन मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये किस तरह का इंसेक्ट है, ये आप क्लियरली आपको गूगल पे नज़र आ रहा होगा। इसका मैंने जूम किया है, ये वो इंसेक्ट है जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ये इसका आप पाउडर देख सकते हैं, रेड कलर का जो पिगमेंट है उसको यूज़ किया जा रहा है। इसको कोचिनियल भी कहते हैं, लाइक ये देखें, ये भी मतलब एज अ इसका जो नेम है ना कोचिनियल नेम भी इसको यूज़ किया जाता है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द लिपस्टिक्स आर मेड फ्रॉम 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स, वैक्स ऑयल और पिगमेंट हो गया। वैक्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो तो बीज वैक्स है, उसको तो आपको पता है शहद हमारे लिए हलाल है, तो वो वैक्स भी हमारे लिए हलाल है। लेकिन ऑयल, अब ऑयल जो है हमें नहीं पता कि ऑयल किस एनिमल फैट से बन के हमारी लिपस्टिक्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी लिपस्टिक्स को देखें कि वो, इसको कोचिनियल भी कहते हैं, लाइक ये देखें, ये भी मतलब एज अ इसका जो नेम है ना कोचिनियल नेम भी इसको यूज़ किया जाता है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द लिपस्टिक्स आर मेड फ्रॉम 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स, वैक्स ऑयल और पिगमेंट हो गया। वैक्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो तो बीज वैक्स है, उसको तो आपको पता है शहद हमारे लिए हलाल है, तो वो वैक्स भी हमारे लिए हलाल है। लेकिन ऑयल, अब ऑयल जो है हमें नहीं पता कि ऑयल किस एनिमल फैट से बन के हमारी लिपस्टिक्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी लिपस्टिक्स को देखें कि वो ट्रूली वीगन ब्रांड से रिलेटेड हैं भी या नहीं है। लाइक वीगन ब्रांड्स में आपको पता है कोकोआ बटर होता है, हुबा ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल और मिनरल ऑयल और बहुत सारे ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनको वो एज ऑयल यूज़ करते हैं। लेकिन जो आप कह लें अमेरिकन ब्यूटी इंडस्ट्री है उनमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं, रेवलॉन हो गया, मेबेलाइन हो गया, इवन हुदा ब्यूटी के जो हैं वो भी हलाल नहीं है, तो उनमें भी आपको पिग फैट का जो मॉइस्चराइजेशन है।